व्हाट्सअप कैसे कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। पूर्णमंगा चैप्टर 59 में हमने देखा कि आमड़ो कावाकी से कहता है कि वो उसको एक नया कार्मा दे सकता है, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कैसे देने वाला है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने देखा बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे उन लोगों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और हाँ यही है न्यू टारगेट। तो अब बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। पूर्णमंगा चैप्टर 59 में हम लोग देखते हैं कि कावाकी कहता है कि अब वो इसी के ओत्सुत्सुकी का वेसल नहीं है, लेकिन आमड़ उसकी बात काट देता है और ये कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो कावाकी, तुम मानो या ना मानो तुम अब भी इसी के ओत्सुत्सुकी के वेसल हो और ये बात तुम कभी नहीं ठुकरा सकते। एंड एज अ रिजल्ट कावाकी उस पर हमला कर देता है गुस्सा होकर। अब जाहिर सी बात है वो तो गुस्सा होगा ही। लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जांपल। तुम्हारा एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है और तुम खुश होते होते जा ही रहे होते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहे कि नहीं अभी एग्जाम बाकी है मेरे दोस्त, तो जाहिर सी बात है तुम्हें गुस्सा आएगा ही। और इसी तरह कावाकी को भी गुस्सा आ गया और इसी वजह से कावाकी ने आमाडो को दीवार पे दे मारा। लेकिन उसी के बाद आमाडो कहता है कि मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूँ और ये एक निंजत्सु ट्रेनिंग से काफी ज्यादा इजी होने वाला है, तुम्हें बस मेरा बनाया हुआ कार्मा इम्प्लांट करना होगा। और जिसके बाद कावाकी शॉक हो जाता है कि इसी की सोचो कि तो मर चुका है, कार्मा कैसे हो सकता है भाई। और इसी में आमाडो का प्लान भी छुपा हुआ है। अब मैं वही एग्जांपल को लेकर ये चीज समझा देता हूँ। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कहा कि अब एग्जाम खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, और तुम गुस्सा हो जाते हो और उसके बाद वो तुम्हें शांत कराने के लिए ये कहता है कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम में हेल्प कर दूंगा और इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी डर लगा रहेगा कि चीटिंग में तुम कभी पकड़े ना जाओ। एंड एग्जैक्टली कावाकी भी यही सोच रहा है, वो कार्मा जरूर से लगाना चाहता है लेकिन उसे ये डर है कि कहीं इस चीज में इशी की ना रिवाइव हो जाए और आमाडो का जो भी प्लान हो राइट हैंड तो वो कावाकी को ही बनाएगा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे। हमने देखा आमाडो बस उसे एक वेसल कहता है इशी का और वो कितना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और कावाकी कहीं ना कहीं अपने मन में ये भी सोचता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। जब उसके पास कार्मा था तो वो कम से कम थोड़ा स्ट्रांग तो था, लेकिन अब वो उतना भी नहीं है, तो आमाडो अब इसी चीज का फायदा उठाएगा। आमाडो बस उसे प्रवोक करेगा, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएगा कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, और इसी चीज को बहुत बार रिपीट करने के बाद उसका प्लान सक्सेसफुल होगा। अब तुम ही लोग सोचो, बार बार उसे ये कहने के बाद कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, कावाकी खुद ये समझने लगेगा कि वो कितना ज्यादा कमजोर है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, और उसके बाद वो खुद आमाडो के पास आएगा ये कहने कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा बनाया हुआ कार्मा मुझ पर लगा दो, और इसी तरह आमाडो अपना प्लान सक्सेसफुल करेगा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि कावाकी जिस चीज से बचपन से छुटकारा पाना चाहता है उसी चीज को क्या वो फिर से लगाने वाला है। अब ये तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, जो डिसाइड करना है वो तो किशिमोटो और कावाकी ही करेगा। अब तो बस ये देखना है कि कावाकी कितना जल्दी अपने अंदर कार्मा इम्प्लांट करता है, क्योंकि हमें पता है कि वो कार्मा इम्प्लांट तो करने ही वाला है, लेकिन अगर वो सोच समझ के थोड़ा टाइम दे के कार्मा इम्प्लांट करता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ बंदे ने बहुत सोचा है उसके बाद ही कार्मा लगाया है। लेकिन अगर वो बेवकूफों की तरह जल्दी से जल्दी अपना पावर पाने के लिए कार्मा इम्प्लांट कर लेता है तो सबसे बड़ा गधा होगा। एक्चुअली वो गधा बन जाएगा, क्योंकि हमें तो फ्यूचर क्लिप में यही दिखाया गया है कि उसके पास कार्मा है, एंड देयर इज नो डाउट कि वो नन अदर देन आमाडो को बनाया हुआ कार्मा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे आमाडो कावाकी को इस्तेमाल कर रहा है अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट है 150 सब्सक्राइबर्स का, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और हाँ एक चीज, गोट वर्सेस कावाकी फ्यूचर फाइट सीन जो कि एपिसोड 1 में था उसे मैंने ट्राई किया है डब करने का, तो मैंने उसको डब करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लिया है। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, चाहो तो उसे देख सकते हो और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।